नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर 2023 को डिस्कस करेंगे, जो आपके जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक का करंट अफेयर है। ये आपके वीडियो नंबर आपके 2 है और इसमें 150 प्रश्न है। वीडियो नंबर 1 को अपलोड कर दिया गया है, उसमें आपके 100 प्रश्न था। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। टोटल हमें 750 प्रश्न को डिस्कस करना है, जो आपके आगे आने वाले बिहार के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो नंबर 1 का पीडीएफ जो है आज टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया जाएगा और उसमें टिक भी मारा हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके जो है ऐसे कथन आपके सही है। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन सही है। प्रोफेसर राम मोहन पाठक को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिव पूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोनों पॉइंट आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है कला संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है। तो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, तो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है इजरायली तकनीक से। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्य ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार के किस विभाग के द्वारा जो है भव्य ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके असत्य है, कौन सा कथन आपके गलत है। यह जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया। इसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला, दूसरा स्थान उड़ीसा को मिलता है, तीसरा स्थान बिहार को। तीसरा स्थान आपको याद रखना है कि बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों को मिलता है। तो इसमें से सारे के सारे पॉइंट आपके सही है, कोई भी आपके गलत नहीं है। मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो जमुई आपके प्रथम स्थान पर है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप को लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम क्या है। तो बेफिक्र ऐप नाम है, ठीक है, बेफिक्र ऐप नाम है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है, तो कहां पर किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि नवादा के जो है हिसुआ में किया जा रहा है, नवादा जिला के हिसुआ में किया जा रहा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है, इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है। तो देख लीजिए, इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया था। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया था। इसमें 19 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया था। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, इसमें से कोई भी आपके गलत नहीं है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 83,000 छात्रों को जो है फायदा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया है। तो किस
जिला से किया है, तो आपको ध्यान रखना कि पटना से किया, ठीक है, पटना से किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जो है सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है, तो किस विभाग को प्रदान किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि पंचायती राज विभाग को प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जो है सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है, तो पंचायती राज विभाग को प्रदान किया गया है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके यस से आपके सही है, ठीक है, जो आपके चौथा कृषि रोड मैप है इसके बारे में कौन सा कथन आपके सही है। इसकी अवधि जो है 2023 से 2028 है, तो सही बात है। इसकी जो अवधि है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक है। इसके तहत जो है 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत दलहन तिलहन मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। तो ये आपके सारे पॉइंट आपके ठीक हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया है, तो पटना नगर निगम बन गया, VVI पॉइंट है, ठीक है, इसे मार्क कर लीजिएगा कि मई 2023 में जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का जो पहला नगर निगम है वो पटना नगर निगम है। बिहार के GST मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां के अधिकारियों की एक टीम भेजी थी कि देखने के लिए कि बिहार किस प्रकार से GST को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये भेजा गया था राजस्थान के अधिकारियों को, बिहार में भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 13 से 14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है, तो देख लीजिए कौन सा कथन गलत है। इसका आयोजन बिहार के सिवान में किया गया था, तो ये गलत है। इसका आयोजन जो है छपरा में किया गया था, ठीक है, छपरा में किया गया था, सारण डिस्ट्रिक्ट के छपरा में किया गया था। तो पहला तो आपके गलत है। यहाँ 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में जो है बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है, तो बी और सी आपके सही है, केवल एक ऑप्शन आपके गलत है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार के किस नदी को घड़ियाल वन जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसेटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि सोन नदी को, ठीक है, सोन नदी को जो है सोन नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसेटिव जोन घोषित करने के लिए जो है निर्देश दिया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, इसे ध्यान से याद रखिएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, तो ये उद्घाटन किया गया था पटना में, ठीक है, पटना में उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है कि बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है, तो इसमें से देखिए कौन सा कथन आपके सही है। डिस्क थ्रो में जो है बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। डिस्क थ्रो में अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीते हैं, ये गलत है। हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, तो इसमें बी और 3 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1 और 3 हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी का कुकर सीटी मार रहा है, कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है, तो ये जीता गया है डॉक्टर रोहने के द्वारा जीता गया है। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है, तो मेयर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, तो समीर पांडे को नियुक्त किया गया है। बिहार के इस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपना कर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। बिहार के किस
योजना को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है। तो इस योजना का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, नाम है बालका साइकिल योजना है, ठीक है, बालका साइकिल योजना है, जो आपके बिहार में बालिकाओं को दिया जाता है साइकिल। इसे जो है अफ्रीका के 6 देशों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए। पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से जो है 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की है, किसके द्वारा किया गया है, तो तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया है। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के आप लोग सोचिएगा मधुबनी, लेकिन मधुबनी इसका आंसर नहीं होगा, क्या होगा, हाल ही में जो है बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को जो है पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। तो आपको याद रखना है ये आपके दरभंगा में स्थित है मखाना अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इसे जो है नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट खाली स्थान को जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है बिक्की पांडे को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है इस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी है, तो जो आपके सिमरिया धाम है ये किस जिला में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है कि 92 में स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है। बिहार के श्रम संसाधन विभाग को जो है बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। बिहार कौशल विकास मिशन को जो है रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ए भी पॉइंट आपका ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपका ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये शुरुआत किया गया है पटना में किया गया है। मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके इसमें गलत है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। 70% इंटरनेट यूजर के साथ जो है गोवा देश का अग्रणी राज्य है, तो सही बात है। बिहार में वर्तमान में जो है 32% इंटरनेट यूजर है। इंटरनेट यूजर के मामले में जो है बिहार का देश में अंतिम स्थान है, ये भी पॉइंट आपका ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में जो है लिंग अनुपात 900 से कम है। बहुत ही अच्छा ये सवाल है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगा अनुपात जो है 900 से कम है, तो बिहार के 19 जिले में। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो किसे प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है कांटी थर्मल पावर को, कांटी थर्मल पावर को प्राप्त हुआ है। इसे दोबारा देखिएगा कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार जो है प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान मिला है, तो यह दिया गया है कांटी थर्मल पावर को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है, तो यह किया गया है पटना में। जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है, तो उनका नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है चयन किया गया है गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार का चयन किया गया है, गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार का चयन किया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि पटना नगर निगम ने जो है पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है, तो उस अभियान का नाम क्या है? तो चकाचक अभियान नाम रखा गया। इसे दोबारा देखिए कि पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है, तो चकाचक अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में जो है 4,000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा। ये कौन है? तो बिहार के राज्यपाल हैं। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है? तो किस जिले में किया है? तो पटना जिले में किया है। किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो है बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो किस देश में आयोजित जो है पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो है बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने जो है 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आयोजन जो है थाईलैंड में किया गया था। इसका आयोजन जो है थाईलैंड में किया गया था। नेक्स्ट है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है एनजीटी के द्वारा। किस लिए जुर्माना लगाया गया है? तो ठोस और तरल कचरे का जो है वैज्ञानिक रूप से बिहार आपके प्रबंधन नहीं कर सका, इसके लिए जो है 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के इस जिले में जो है अडानी ग्रुप 1,400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी, तो किस जिला में स्थापित करेगी? तो आपको ध्यान रखना है कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित करेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है? इसमें कौन सा कथन गलत है देख लीजिए। लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और बिहार को दूसरा स्थान मिला है। बिहार में पूर्वी चंपारण जिला जो है लेबर हब के मामले में पहले स्थान पर है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें आपके कोई भी पॉइंट आपके गलत नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है, उस मिशन का नाम क्या है? तो मिशन परिवर्तन नाम है, ठीक है, मिशन परिवर्तन नाम है। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जो है 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ए आपके कैसर कुमार के द्वारा जीता गया है, ठीक है, कैसर कुमार के द्वारा जीता गया है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें बिहार का स्थान दूसरा है। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाई कोर्ट के जज थे? तो पूर्व में जो है तेलंगाना हाई कोर्ट के जज थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने शहरों में जो है एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है 9 शहरों में। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? बिहार में जो है दूरसंचार घनत्व कितना है? तो बिहार में जो है 55.23 है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपेडियम ऑफ 75 एग्री इंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तक में बिहार के किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? तो दर्ज किया गया है राजकुमारी देवी का, ठीक है। इसे दोबारा देखिएगा कि कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में जो है बिहार के किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया है राजकुमारी देवी का नाम दर्ज किया गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो है बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतें के पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो
तो ये वृद्धि दर्ज किया गया है 115% का। बिहार के किन दो शहरों के बीच जो है 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है, तो ये घोषणा किया गया है आपका पटना से भागलपुर के बीच में। बिहार के किन दो शहरों के बीच जो है 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है, तो पटना से भागलपुर के बीच में। नेक्स्ट है कि जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल में अंडर 22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अनुज कुमार और सुशांत कुमार का चयन किया गया है, तो इनमें से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित किया गया, तो सही बात है, जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट जो है पहली बार प्रकाशित किया गया है। जल स्रोतों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल को पहला स्थान मिला है। बिहार में जो है 49.8 जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित है, तो ये आपके सारे पॉइंट ठीक है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव खाली स्थान को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है डॉक्टर घनश्याम राय इनका नाम है। चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है, तो किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है मोनिका दास को बनाया गया है। बिहार के किस जिले के महुआबा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये सीतामढ़ी का पंचायत है। बिहार का पहला वंजीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है, तो बिहार का पहला जो वंजीव अस्पताल है ये मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा, ये केवल आपके जो वन जीव है उन्हीं के लिए होगा, ठीक है, ये मनुष्यों के लिए नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंजुमन इस्लामिया हॉल को जो है नवीकरण करने के लिए, भवन निर्माण निगम लिमिटेड को विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार से कितने छात्रों का चयन किया गया है, तो बिहार से 45 छात्रों का चयन किया गया है। दोबारा देखिएगा कि इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत जो है बिहार से कितने छात्रों का चयन किया गया है, तो 45 छात्रों का चयन किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को जो है होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है, तो किसे चुना गया है, नालंदा विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय को, ये VBI पॉइंट है, इसे आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को जो है होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है, तो नालंदा विश्वविद्यालय और पटना यूनिवर्सिटी को चुना गया है, ठीक है। G20 2023 का बैठक कहां पर किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है कि भारत देश में किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है, जो गरुड़ है उनकी गिनती किया गया और उसमें से कौन सा कथन आपके जो इसमें दिया गया है वो आपके गलत है। बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है जो कि सर्वाधिक है, बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में है, असम 650 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है, तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, इसमें से कोई भी आपके गलत नहीं है। बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को जो है किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है,
जबकि अंजनी कुमारी है, इनका संबंध किस खेल से, ये वीवीआई पॉइंट है तो आपको ध्यान रखना है। जो अंजनी कुमारी है इनका संबंध जेवलिन थ्रो से, ठीक है, भाला फेंक से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। राज में नदियों में जलीय जीवों की नग्न होती संख्या को सुधार के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है, उस योजना का नाम क्या है, तो रिवर हैचिंग योजना नाम है, ठीक है, रिवर हैचिंग योजना नाम है। अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है, इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है, तो देख लीजिए कौन सा कथन गलत है। बिहार के समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान मिला है, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा तीसरा स्थान दूसरा शेखपुरा को, तीसरा सुपौल को, तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, इसमें कोई भी आपके गलत नहीं है। बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब से लागू किया गया है, तो इसे जो है 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है, कब तक लागू रहेगा, तो 31 मार्च में, 31 तारीख मार्च में आता है ना, तो 31 मार्च 2028 तक, ठीक है, 2028 तक आपके लागू रहेगा कृषि रोड मैप 4। ये भी पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा किया गया है, तो डीएनए जांच करने के लिए जो यूनिट की स्थापना मुजफ्फरपुर और भागलपुर में किया जाएगा, तो इसमें से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के पटना संग्रहालय के नवीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष का नाम क्या है, तो अंजनी कुमार सिंह है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है, तो बिहार के किस जिला में किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है किया गया है गोपालगंज में, ठीक है, गोपालगंज में किया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है सम्मानित किया गया है बिहार के पुलिस एकेडमी को, और बिहार के कहाँ को सम्मानित किया गया है, तो इसमें ध्यान रखना है ये सम्मानित किया गया है नालंदा पुलिस एकेडमी को, ठीक है, जो आपके राजगीर में स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोबारा देखिएगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के पुलिस एकेडमी को जो है सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है, तो नालंदा जिले के पुलिस एकेडमी को सम्मानित किया है जो राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपी चंद्र के मार्गदर्शन में बैडमिंटन एकेडमी खोलने की घोषणा की गई है, तो ये खोला जाएगा भागलपुर में। राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता, बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता, तो सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, इसमें कोई भी आपके गलत नहीं है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, मतलब एक व्यक्ति जो है प्रतिदिन कितना दूध आपके खाता है, कितना उपलब्ध है एक आदमी के बिहार में दूध, तो आपको ध्यान रखना है कि 400 ग्राम आपके उपलब्ध है। निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया, तो किस देश में मनाया गया है, तो ये मनाया गया है जापान में। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेश में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है, जबकि विदेश पढ़ने जाएंगे उन्हें जो है 50 लाख रुपए तक जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है लोन दिया जाएगा। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है, इसमें कर्नाटक को पहला स्थान मिला है, बिहार को 16वां स्थान मिला है, तो दोनों पॉइंट आपका इसमें ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। हाल ही में जो है डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी
राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा, या कि राजपाल हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो लीची और मशरूम के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है इनमें से एक से अधिक, जबकि आम सबसे अधिक उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में होता है। हाल ही में व्यवहार गिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में है, यह बिहार के किस जिले में अस्तित्व में है? तो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसे ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है, कि व्यवहार गिरी पर्वत जो है वो आपके नालंदा में है। बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है? इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए कौन सा कथन गलत है। इसका आयोजन जो है पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग के द्वारा किया गया, ये गोपालगंज में हुआ था। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया था। तो इसमें सारे के सारे पॉइंट ठीक है, कोई भी पॉइंट आपकी गलत नहीं है। बिहार के किस व्यक्ति ने जो है 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो किसके द्वारा दर्ज कराया गया है? तो अभय कुमार के द्वारा, ठीक है। हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरविंद पनगढ़िया को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही है? जो बिहार की महिला टीम है इसमें कौन से स्थान पर रहती है? तो तीसरा स्थान पर रहती है। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जो है जीआई टैग दिया गया है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में जो है सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो जबकि सीता थापा महोत्सव है इसका आयोजन जो है औरंगाबाद में किया गया है। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 1 अप्रैल 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है, 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बिहार के किस जिले में जो है बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पटना में, ठीक है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? तो ये जारी किया गया है आपका 603 करोड़ रुपया जारी किया। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य जलाशय मत्स्य नीति 2022 के तहत किस जिले को जो है जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो किस जिला को जो है जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? ये बनाया गया है मुंगेर को, ठीक है, मुंगेर को बनाया गया है। बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को जो है बेट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? तो किस व्यक्ति को दिया जाएगा? तो इसमें आपको याद रखना है कि डॉक्टर राजवर्धन आजाद को दिया जाएगा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार के अररिया जिले की खाली स्थान सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रन अप कौन बनी है? तो आपको याद रखना कि बनी है टीना झा, ठीक है, कौन बनी है रन अप, कौन बनी है टीना झा बने हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रबी सीजन 2023-24 में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है बिहार में? तो बिहार में जो गेहूं का खरीद का लक्ष्य रखा गया है 10 लाख मीट्रिक टन, 10 लाख मीट्रिक टन रखा गया है, इसे याद रखिएगा ध्यान से। बिहार के किस एथलीट ने जो है 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो किसके द्वारा क्वालिफाई कर लिया गया है? ये कैसर कुमार के द्वारा क्वालिफाई कर लिया गया है।
बिहार के कितने जिले में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? तो 17 जिले में। बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर एक एक हजार क्षमता वाले कितने नए जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो कुल 13 जेल बनाया जाएगा 1,000 कैदी रखने वाला। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला आपके पहले स्थान पर है? तो शिक्षा सेगमेंट में जो है बिहार का शेखपुरा जिला आपके पहले स्थान पर, ठीक है। बिहार का पहला डिस्ट्रिक्ट जो है पहले स्थान पर है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? इसमें से कौन सा जिला आपके शामिल नहीं है? तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट आपके शामिल नहीं है। अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में जो है 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन जो है किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में किया गया है, ठीक है। बिहार के किस नदी प्रदेश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो किस नदी पर किया जा रहा है? तो गंगा नदी पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय जो है बिहार के रजत पार्टी में हो गया है? तो केरल के जो नेशनल जनता दल पार्टी था उसका विलय जो है बिहार के रजत पार्टी में हो गया है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई है? तो 23 अप्रैल 2023 को। बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? तो बिहार के किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है समाज कल्याण विभाग के द्वारा, ठीक है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया गया है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार की किस योजना को जो है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जल जीवन हरियाली अभियान को, जल जीवन हरियाली अभियान को सम्मानित किया गया है। हाल ही में जो है पटना हाई कोर्ट के नियुक्त चीफ जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है? तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। कृष्ण विनोद चंद्र पटना हाई कोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने हैं। कृष्ण विनोद चंद्र जो है पटना हाई कोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने हैं। इससे पूर्व केरल हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है। तो इसमें सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, कोई भी पॉइंट आपके गलत नहीं है। बिहार के किस जिले में जो है दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला हाट का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो मिथिला हाट है इसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी के द्वारा द्वारा किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? तो मधुबनी में किया गया है, ठीक है, मधुबनी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना मेट्रो निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 5,509 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है? तो किसके साथ में किया गया है? यह किया गया है JICA के द्वारा, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में मनाए गए बिहार दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। यह 22 मार्च को मनाया गया है। इस वर्ष बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। वर्ष 2023 में बिहार दिवस का थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। बिहार के सहरसा जिले की किस पर्वतारोही ने 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये लक्ष्मी झा के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है कि चौथे कृषि रोड मैप के तहत जो है जैविक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है?
पहले आपके ये 13 डिस्ट्रिक्ट तक इसका विस्तार था, जिसे अब जो है बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार कर दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो है बिहार के किस रेलवे जंक्शन को 440 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधा होगी। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि बिहार के किस रेलवे जंक्शन को जो है 440 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधा होगी। तो आपको ध्यान रखना, ये घोषणा किया गया है मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को बनाने के लिए, मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को बनाने के लिए। नीति आयोग द्वारा जारी जनवरी 2023 में आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। शीर्ष 5 आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले आपके शामिल हैं। ओवरऑल रैंकिंग में खगड़िया जिला प्रथम तथा शेखपुरा आपके चौथे स्थान पर है। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में खगड़िया जिला प्रथम स्थान पर है। तो सारे पॉइंट आपके इसमें ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस महिला को जो है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? ये सम्मानित किया है बबीता गुप्ता को सम्मानित किया है। बिहार के किस जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा शामिल हुए थे? तो किस जिले में इसे आयोजित किया गया था? तो बेगूसराय में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना के एक पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध जो है किस एक सेकेंड सम्मानित किया गया है, पटना के एक पंचायत की मुखिया है बबीता कुमारी, नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जो सम्मानित किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है सम्मानित किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया गया है। कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। बिहार के सनी राज ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। पीयूष राज ने डेकार्थलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो ये दोनों पॉइंट आपके ठीक है। वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बिहार में जीएसटी संग्रह में जो है 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार के किस जिले में जो है सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है, जहां आधुनिक तकनीकों पर फूलों की खेती की जाएगी? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आपको याद रखना कि नालंदा में जो है स्थापित की गई है। बिहार के किस जिले में जो है सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है? तो नालंदा में की गई है, जहां आधुनिक तकनीकों पर जो है फूलों की खेती की जाएगी। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। हाल ही में कौन बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो प्रशांत कुमार शाही है। वीवीआई पॉइंट हम मार्क कीजिएगा, प्रशांत कुमार शाही। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में प्रत्येक बिहार विधानसभा क्षेत्र में खाली स्थान तथा विधान परिषद में खाली स्थान स्वास्थ्य उप केंद्र निर्माण करने की घोषणा की है। अठारह से 19 मार्च 2023 को जो है बिहार के किस जिले में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया है? जो विक्रमशिला महोत्सव है इसका आयोजन आपके भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। नेक्स्ट है कि 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपकी गलत है? इसका आयोजन झारखंड में किया गया, तो ये आपके गलत है। इसका आयोजन जो है हरियाणा में किया गया है, ठीक है, हरियाणा के झज्जर में इसका आयोजन किया गया है। बिहार की महिला टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। पहली बार बिहार महिला टीम ने नेशनल में पदक जीता है, तो सही बात है। इसमें गलत केवल आपके ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो पटना में किया गया है।
22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस लोटस ब्लूम्स को प्रदर्शित किया गया है? वे किस भाषा में था? तो आपको ध्यान रखना है मैथिली भाषा में। बिहार का सबसे बड़ा तथा पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो अररिया में बनाया जा रहा है। मार्च 2023 में मनाए गए विश्व गोरैया दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है? इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए, यह प्रत्येक वर्ष जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। यह बिहार का राजकीय पक्षी है। इस वर्ष विश्व गोरैया दिवस का थीम है आई लव स्पैरो। तो इसमें सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, कोई भी आपके गलत नहीं है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो किस जिले में बनाया गया है? यह बनाया गया है भागलपुर में। मार्च 2023 में बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में किया गया है? तो खुशी कुमारी का चयन किया गया है। हाल ही में बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई है? तो आपको ध्यान रखना है 228 रुपये तय किया गया है प्रतिदिन का, ठीक है? 228 रुपये तय किया गया है। सबसे अधिक मनरेगा का मजदूरी कहाँ मिलता है? तो हरियाणा में मिलता है, ठीक है? हरियाणा राज्य में मिलता है। निम्नलिखित में से किस संस्था में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन जो है आईआईटी पटना में किया गया है। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को बर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई बनाने के लिए कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो 50% अनुदान दिया जाएगा। 27 मार्च 2023 को बिहार के किस एयरपोर्ट से एयरलाइंस इंडिगो द्वारा झारखंड के देवघर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है? तो किस एयरपोर्ट से किया गया है? तो पटना एयरपोर्ट से किया गया है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई कॉफी टेबल बुक बिहार डेट वाज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो रघु राय एवं उषा राय के द्वारा लिखा गया है। छठवें फेडरेशन कप विश्व चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। इसका आयोजन पंजाब में किया गया है। बिहार के खिलाड़ी अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। पंकज कुमार सिंह ने स्वर्ण पदक एवं कांस्य पदक जीता है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति द्वारा 22-24 मार्च 2023 तक विरासत पदयात्रा का आयोजन कितने जिलों में किया गया है? तो कुल 9 जिलों में किया गया है। 9 जिलों में किया गया है। हाल ही में खान एवं भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में मिले 6,000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में जो है खान एवं भूमि विज्ञान विभाग ने जो है इस जिले में मिले 6,000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का निर्णय लिया है। तो किस जिला में मिला है? तो आपको ध्यान रखना है ये मिला है जमुई में, ठीक है? वीवीआई पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा, वीवीआई लिख देते हैं। नेक्स्ट है कि 17 से 19 मार्च तक अहमद अनहद शब्दों और प्रदर्शन का महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बिहार संग्रहालय पटना में किया गया है। नेक्स्ट है कि 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान की 107वीं जयंती मनाई गई। इनके संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन आपके सही है। इनका जन्म जो है 21 मार्च 1916 को डुमरा में हुआ था, तो सही है। इन्हें 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें सारे पॉइंट आपके ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया था, ठीक है, मिस हो गया टाइप करने में।
नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देखिए कौन सा कथन आपके सही है। इसका आयोजन जो है गंगा पथ पटना पर किया गया। बिहार की महिला खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया। 40 किलोमीटर मास स्टार्स के लिए सीनियर वर्ग में जो है मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो सारे पॉइंट आपके इसमें ठीक है। आप लोग के भी जाइए जो पटना का मरीन ड्राइव है, मजा आ जाएगा जो पटना में रहते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है कि 14 से जब भी जाइएगा तो शाम के टाइम जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है कि 14 से 17 मार्च 2023 के बीच इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? विद्या कुमारी के द्वारा जीता गया है। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत जो है बिहार के कितने जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बिहार के 5 जिलों को प्रदान किया गया है। केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के किस जिले में 15 करोड़ की लागत से डॉपलर रडार स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। ये आपके दूसरा डॉपलर रडार है, पहला आपके पटना में स्थापित है। हाल ही में बिहार में भारतीय जनता दल पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सम्राट चौधरी को, ठीक है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्थान के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा की है? तो किसके सहयोग से? तो आईआईटी कानपुर के सहयोग से। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी? तो बाल वाटिका की स्थापना की जाएगी। बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत किन नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो उस नदी का नाम क्या है? बागमती बूढ़ी गंडक है, बागमती बूढ़ी गंडक है। नेक्स्ट है कि बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो है राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे जिनका संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा? तो 100 प्रखंड में खोला जाएगा। जो जीविका दीदी है इन्हें प्रति महीने 6,000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि की है? तो 24% बिजली दर में आपकी वृद्धि की है। तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बार रुक जाए यार, इसमें बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने जो है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि की है? तो 24% आपके बिजली दर में वृद्धि की है। बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो इसमें आपको याद रखना है कि 17 जिलों का चयन किया गया है। जनवरी 2023 में बिहार में कितने देशी पर्यटकों ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है? तो 19 लाख। वर्ष 2021 से 2022 में बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि जो है 12.90 की हुई है, 12.90 की हुई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो लास्ट वाला सवाल है इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका उत्तर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि अब ज्यादा हल्ला शुरू हो गया है, अब सब लोग खाना बनाना शुरू कर दिया। देखिए हम लॉज में रहते हैं तो लॉज में समस्या होता है भाई, ये क्या कर सकते हैं। 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि लाइन कटा हुआ था। कोई नहीं, इसे कंप्लीट तो जल्दी कर ही दिया जाएगा, ठीक है। और जो आपके वीडियो नंबर 1 नहीं देखे उसे आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।